मार्केट में तरह तरह के डिजाइनर घड़ियों की भरमार है। लोगों को अच्छी से अच्छी घड़ी चाहिए अपने घर में लगाने के लिए। लेकिन आज हम आपको हमारे सनातन परंपरा से जुड़ी एक घड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं। ये घड़ी सनातन परंपरा के आधार पर बनी हुई है और इसके हर एक नंबर पर 1 से 12 तक सनातन धर्म से जुड़ी चीजें लिखी हुई है, जो धर्म के बारे में व्याख्या देती नजर आती है। हमारे सनातन धर्म का दर्शन कराती हुई इस सुंदर घड़ी में 12 बजने के स्थान पर आदित्य लिखा हुआ है, जिसका अर्थ ये है कि सूर्य 12 प्रकार के होते हैं। 1 बजने के स्थान पर ब्रह्मा लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है कि ब्रह्मा एक ही प्रकार का होता है। 2 बजने के स्थान पर अश्विन लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य है कि अश्विनी कुमार 2 है। 3 बजने के स्थान पर त्रिगुण लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य ये है कि गुण 3 प्रकार के हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 4 बजने के स्थान पर चतुर्वेद लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य ये है कि वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। 5 बजने के स्थान पर पंच प्राणा लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य है कि प्राण 5 प्रकार के होते हैं। 6 बजने के स्थान पर षडश लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य है कि रस 6 प्रकार के होते हैं। 7 बजने के स्थान पर सप्तऋषि लिखा हुआ है, इसका ये तात्पर्य है कि 7 ऋषि हुए हैं। 8 बजने के स्थान पर अष्ट सिद्धियाँ लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य है कि सिद्धियाँ 8 प्रकार की होती हैं। 9 बजने के स्थान पर नव द्रव्यणी अभियान लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य है कि 9 प्रकार की निधियाँ होती हैं। 10 बजने के स्थान पर दश दिशः लिखा हुआ है, जिसका तात्पर्य है कि दिशाएँ 10 होती हैं। 11 बजने के स्थान पर रुद्र लिखा है, इसका तात्पर्य है कि रुद्र 11 प्रकार के हुए हैं। तो देखा आपने, 1 से 12 तक लिखे नंबरों में सनातन धर्म का परिचय दे रही ये घड़ी कितनी सुंदर है, जो हमें धर्म का ज्ञान देती है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।